राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला भारत के बंदरगाह। इस श्रृंखला में आज सुनते हैं कार्यक्रम चेन्नई बंदरगाह। सुरु बेटा, कहाँ हो? अरे ये क्या, जहाज के डेक पे खड़े हवा का मजा ले रहे हो? हाँ चाचा जी, चारों तरफ पानी ही पानी। मजा आ रहा है ना? चाचा जी, अब हमारा अगला पड़ाव कहाँ होगा? बेटा हमारा अगला पड़ाव होगा चेन्नई में। चेन्नई? भैया की मोटरसाइकिल भी वहीं की बनी है ना? हाँ हाँ, वहीं की बनी है। बेटा चेन्नई हमारा जहाज बस कुछ ही देर में पहुंच जाएगा। चाचा जी, चेन्नई के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। क्यों नहीं। देखो सोनू बेटा, चेन्नई तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पत्तन है। अच्छा। और साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा महानगर भी है। यहाँ ऑटोमोबाइल और उनके पुर्जों के कई कारखाने हैं। अच्छा। यहाँ का पत्तन बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पत्तन है। इसका मतलब पत्तन के अतिरिक्त ये एक औद्योगिक नगर भी है। हाँ हाँ, ये तो मैं कहने ही वाला था। जानते हो यहाँ ट्रक, ट्रैक्टर, कार, दोपहिया वाहन, वाहनों के पुर्जे, खेती बाड़ी के औजार, रेल कोच फैक्ट्री, साइकिल, कपड़ा आदि बनते हैं। अच्छा। और इनको यहाँ से दूर दूर भेजा जाता है। चाचा जी, मैंने सुना है कि यहाँ फिल्में भी बनती हैं। क्यों नहीं बेटा, चेन्नई भारत के मनोरंजन उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। अच्छा। चेन्नई में फिल्म जगत के बड़े बड़े स्टूडियो भी हैं। और इस समय यहाँ सूचना तकनीक को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। चाचा जी, चेन्नई में और क्या क्या है? भाई चेन्नई को दक्षिण भारत का द्वार भी कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि दक्षिण की सभी भाषाओं और कर्नाटक संगीत का ये एक बड़ा केंद्र है। ओ। अक्सर इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। और ये तो तुम जानते ही हो कि तमिलनाडु की राजधानी तो चेन्नई है ही। लेकिन प्रश्न ये है कि चेन्नई का पत्तन बना कैसे है? भाई ये जानने के लिए हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। सन 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। हाँ। और सन 1611 में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने भारत के पूर्वी तट की यात्रा की। हाँ। इससे अंग्रेज व्यापारियों का भारत में आगमन शुरू हुआ। हाँ हाँ। और अंग्रेज सन 1625 तक चेन्नई पट्टिनम, पुलिकट झील और कृष्णा नदी के डेल्टा में कई कारखाने स्थापित भी कर चुके थे। अच्छा। तो भाई इस प्रकार अंग्रेज चेन्नई के तट पर पहुंच गए। फिर सन 1639 में फर्नांडिस डे, जो अंग्रेजों की ओर से मुख्य भूमि व्यवस्था अधिकारी थे, उन्होंने चंदरागिरी के राजा श्री रंगाराया से बातचीत की। अच्छा। और फिर अरमगाम के स्थान पर अपनी बस्तियों को बसाने की जगह की उनसे अनुमति भी प्राप्त की। हाँ, नारीमेट के स्थान पर उन्होंने सेंट जॉर्ज का किला बनाया। अच्छा। पहले जॉर्ज टाउन के क्षेत्र को व्हाइट टाउन कहते थे, यानी अंग्रेजों का शहर कहते थे। इसके उत्तर की जगह को भारतीयों का नगर या चेन्नई पट्टिनम कहा जाने लगा। चाचा जी, बंदरगाह को फिर भूल गए क्या? अरे नहीं भूले बेटा, नाराज क्यों होते हो? ये तो बंदरगाह बनने से पहले की भूमिका है। देखो, बंदरगाह के स्थान पर कई मछुआरों के गांव जैसे थिरुवेलंकनी और पुरसा वड़क्कम, इंगमोर, मेलापोर, इन जगहों पर अंग्रेज व्यापारी जहाजों से आते जाते थे। अच्छा अच्छा। तो भाई जहाजों से सामान उतारने और जहाजों में सामान लादने के लिए जगह बनाई गई, यानी जेटी का निर्माण हुआ। जेटी। हाँ। बंदरगाह के विकास में फिर काफी तेजी आ गई। उससे आसपास के 16 गांवों को मिलाकर सन 1878 में मद्रास नगर बना।
मद्रास। हाँ, आयात निर्यात और व्यापार के लिए जॉर्ज टाउन के उत्तर पूर्व में 1896 में पोताश्रय बनाया गया। तो पोताश्रय से उत्तर पश्चिम और दक्षिण की ओर चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई। तो इस प्रकार धीरे धीरे चेन्नई पोर्ट विकसित हुआ। चाचा जी, मद्रास चेन्नई का ही पुराना नाम है ना? हाँ बेटा, चेन्नई को पहले मद्रास पट्टिनम कहते थे। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पहले मछुआरों की बस्तियां थी, कुछ आज भी मौजूद है। अच्छा, इस बंदरगाह की विशेषता ये है सोनू कि प्राकृतिक रूप से यहाँ पर जहाजों को ठहराने की व्यवस्था नहीं थी। तो फिर क्या उपाय किया गया? इसके लिए समुद्र में एक दीवार बना दी गई। हाँ, ताकि चक्रवात तूफान आदि आपदाओं से बचाव हो सके। समुद्र में दीवार? हाँ बेटा, दीवार को इसलिए बनाया गया ताकि जहाजों को समुद्र की तेज लहरों से सुरक्षित रखा जा सके। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि चेन्नई पत्तन मानव निर्मित है। अरे वाह वाह, तुम तो एकदम ठीक समझे। हाँ, समझदार हो गए हो, शाबाश। देखो बेटा, चेन्नई भारत के पूर्वी तट पर एक बहुत पुराना और मानव निर्मित पत्तन है। मुंबई के बाद ये भारत का दूसरा बड़ा पोर्ट है। अच्छा। हाँ, सन 1921 में बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, कलकत्ता, जिसे आज हम कोलकाता कहते हैं, और मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, इन तीनों पत्तनों को बड़ी श्रेणी के पत्तनों में रखा गया था। बड़ी श्रेणी के पत्तन किसे कहते हैं चाचा जी? मैं बताता हूँ भाई, बड़ी श्रेणी के पत्तन वो कहलाते हैं जो 4000 टन या उससे अधिक माल को समुद्र के रास्ते से लाने ले जाने की क्षमता रखते हैं। अच्छा अच्छा भाई, लो अब हम चेन्नई तो पहुंच गए। हाँ। अब जरा जहाज से उतरते हैं। हाँ। और बंदरगाह के कामों को देखते हुए आगे निकलते हैं। आओ आओ। जरा संभल के, ये देखो, ये सामने देखो, कितनी बड़ी क्रेन है, है? और इस क्रेन को देखो जरा ध्यान से देखना, कितनी सावधानी से क्रेन ने उस कंटेनर को उठाया है, माचिस की डिबिया की तरह। और देखो कैसे क्रेन ऑपरेटर उसको घुमाते हुए ले जा रहा है, और देखो कितने ध्यान से उसने ट्रक पे उस कंटेनर को रखा, एकदम सटीकता से रख दिया। देखा, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल है और बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत होती है इस काम को करने के लिए। आओ आगे चलते हैं। चाचा जी, हम चेन्नई में हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरा कब तक रहेगा? सुनो बेटा, मैं आपकी बात समझा नहीं। चाचा जी, चेन्नई में होते हुए भी मैंने चेन्नई को तो देखा ही नहीं। ओहो, तुम फिक्र मत करो, बस अभी पोर्ट से बाहर निकलते हैं। हाँ। और उसके बाद हम तुरंत शहर देखने चलेंगे। हाँ, चलिए। आओ तो सही। हाँ। लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रखना। हाँ। अरे वो देखो, वो सामने क्या है, देखो देखो। अरे किला। इसे किसने बनाया था? बेटा, ये किला बनाया था अंग्रेजों ने अपने रहने के लिए। इतना बड़ा रहने के लिए? हाँ। ओ। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने रहने के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। आज इस किले में राज्य का सचिवालय और विधानसभा एवं उससे संबंधित कार्यालय स्थित हैं। अच्छा। यही नहीं, इसके एक हिस्से को संग्रहालय भी बना दिया गया है। कितना सुंदर किला है। चाचा जी, वो साथ में चर्च है ना? हाँ बेटा, यहाँ सेंट मैरी का चर्च और सेंट थॉमस कैथीड्रल भी 1896 में सेंट थॉमस डिडमस के गुंबद पर बनाया गया था। अच्छा अच्छा। सेंट थॉमस जो थे ना, वो ईसा मसीह के शिष्य थे। ओ। देख लिया ये सब? तो अब आगे चलें। हाँ। दो और बड़े ऐतिहासिक मंदिर देखने।
ऐतिहासिक? हाँ? कितने पुराने हैं चाचा जी? बहुत बहुत पुराने हैं। ओ। लो आ गया पहला मंदिर। तीर पेलिकन का एरिया है ये, वो देखो सामने श्री पार्थ सारथी का मंदिर है। इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में पल्लव राजवंशजों ने बनाया था। 8वीं शताब्दी में? हाँ। अच्छा। और तब से हजारों हजारों लोग हर रोज यहाँ दर्शन करने आते हैं। और चाचा जी वो दूसरा मंदिर? दूसरा मंदिर है माया लापो। अच्छा। बस थोड़ी सी ही दूरी पर है, लेकिन इस दरमियान एक और मंदिर है, वो देखो सामने, कपालेश्वर का मंदिर। चाचा जी दूर से ही दिखाएंगे? नहीं नहीं बेटा, दर्शन भी करवाएंगे। हाँ। आओ मंदिर के आंगन में चलते हैं, पहले तुम दर्शन कर लो। हाँ। आओ, आओ। अनु बेटा, इस मंदिर को भी 8वीं शताब्दी में पल्लवों ने बनवाया। अच्छा अच्छा, देखो कितना सुंदर और कितना विशाल है ये मंदिर। यहाँ श्रद्धालुओं का सुबह से लेकर शाम तक तांता लगा रहता है। हाँ। और हाँ, मार्च के महीने में यहाँ वार्षिक मेला लगता है। मेला? और ये जो दोनों मंदिर है ना, ये तट के साथ ही बनाए गए हैं। अच्छा। चाचा जी पोंगल तो तमिलनाडु का बड़ा उत्सव है ना? हाँ बेटा, जनवरी में धान की कटाई के बाद आता है पोंगल का उत्सव, और ये तमिलनाडु में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चाचा जी पोंगल में तो बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बनते होंगे। भूख लगी है तुम्हें है ना? बड़ी जोर से लगी है चाचा जी। अच्छा चलो वहाँ सामने चलकर सांबर वड़ा खाते हैं। मैं तो डोसा भी खाऊंगा। अच्छा जरूर खाना, पहले चलो तो सही। चलिए। कितना मजेदार खाना था। अब पेट भर गया? हाँ चाचा जी। चलो अब मरीना बीच चलेंगे। हाँ, चलिए चलिए, आओ आओ, जल्दी चलिए। कितने सारे लोग, बाप रे। बेटा शाम होते ही बहुत लोग मरीना बीच पर घूमने आते हैं। अच्छा। जानते हो मरीना बीच संसार में दूसरी सबसे लंबी बीच है। वाह। ये तट काफी चौड़ा और काफी लंबा भी है। अच्छा। भाई आज तो यहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ होनी चाहिए। वो क्यों चाचा जी? क्योंकि आज पोंगल से तीसरा दिन है। अच्छा। आज यहाँ गांवों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, अपने ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों, कारों, टेम्पो आदि पर, या फिर पैदल ही आ जाते हैं। यहाँ कितने लोग आते हैं इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। वैसे लोग यहाँ खूब गाते हैं, नाचते हैं, ढोल बजाते हैं, जश्न मनाते हैं। अच्छा बेटा अब बहुत देर हो गई है, हमें जहाज पर लौटना चाहिए। बेटा जब तक हम बंदरगाह पहुंचेंगे जहाज के चलने का समय भी हो जाएगा। ठीक है ठीक। चलो आओ, आओ। चलिए चलिए आओ, आओ, चलिए। चेन्नई बंदरगाह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय परामर्श अख्तर हुसैन, आलेख माधवी मेनन, कलाकार बाबला कोचर और रसज्ञ, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।